अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग कोई वीडियो नहीं अपलोड की, कुछ भी नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है, तो ये फैब का ब्लॉग है जो कि मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी और मुझे कुछ यहाँ के शूज़ अच्छे लगे थे, जैसे कि ब्लैक वाला। तो मैं अपनी मदर के लिए देख रही थी, उन्हें ऐसे शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे वाइट भी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ब्लैक ही लिया था। और काफ़ी अच्छे शूज़ होते हैं, मैं हमेशा अपने शूज़ यहीं से लेती हूँ, सैंडल या शूज़ जो भी लेने होते हैं बच्चों के। और मेरा इरादा था कि आज मैं सब शूज़ की शॉपिंग कर लूँ, तो जिसके लिए जो गिफ्ट्स लेने थे वो मैं देख रही थी क्या लूँ। और ये पर्पल कलर का भी मैंने एक लिया था अपने लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि समर्स आने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इधर। और बैग भी मैं साथ साथ देख रही थी, मुझे बैग्स का बहुत शौक है और मेरी कोशिश होती है कि बैग ही मैं किसी को गिफ्ट करूँ तो वो अच्छा भी लगता है। और बैग्स भी मैंने लिए थे एंड पर, लेकिन यहाँ से नहीं लिए, मैंने सिर्फ शूज़ ही यहाँ से लिए थे। और आप लोगों को मैं आगे आगे दिखाती जाऊँगी जो मैं अपने पाकिस्तान जाने की तैयारी करूँगी या शॉपिंग करूँगी। तो ये ब्लैक वन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने ब्लैक वाला नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी मैं पर्पल वाला ले चुकी थी, इसलिए मुझे स्लीपर्स एक ही लेने थे। और बाकी मैं गिफ्ट्स वगैरह देख रही थी, और अभी से मैं इसलिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में एंड पर कुछ भी जल्दी जल्दी मुझसे नहीं होता, और हमेशा मैं पहले से अपनी तैयारी करती हूँ। बस इरादा था कि जाना है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा था कि अभी से मैं कर लूँ तैयारी। और मेरे हस्बैंड बहुत वो कह रहे थे कि अम्मी के घर जाना है, तो 2-3 माह पहले ही तैयारी शुरू हो रही, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी। और जो लोग बाहर रहते हैं अपनी फैमिली से दूर, वो लोग समझ सकते हैं कि अपने घर वालों से मिलने की कितनी खुशी और कितना इंतज़ार होता है। और मैं तो 4 साल बाद जा रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि मैं अभी चली जाऊँ। तो फिर उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैं घर आ गई थी, और घर के हमेशा की तरह जो काम होते हैं वो मैं कर रही थी, किचन की मैं थोड़ी क्लीनिंग कर रही थी। और बाहर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी, और जो अनाबिया है वो खेल रही थी पूरे रूम में, उसने टॉयज ही टॉयज पिला दिए थे। साथ साथ मैं अनाबिया को भी देख रही थी और किचन भी साफ़ कर रही थी। तो ये नेक्स्ट डे का है क्लिप, जो कि एक नया रेस्टोरेंट यहाँ ओपन हुआ था, तो हमारे घर से तो काफ़ी डिस्टेंस पे था, लेकिन न्यू ओपन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वहाँ जाके खाना खाते। और फिर ये मेरा पार्सल भी रिसीव हो गया था मुझे, जो मैंने ऑर्डर की थी चीज़ें, तो मैंने अपने लिए कोई स्किन केयर्स की चीज़ें ऑर्डर की थी और कुछ पाकिस्तान के लिए। तो अगर आप लोग भी स्किन केयर की और बहुत अच्छी और हर ब्रांड की कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं स्किन केयर में, तो इस मैं आपको बताऊंगी लिंक, उस पर आप जाके वेबसाइट है ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत अच्छी रीज़नेबल चीज़ें होती हैं। और ये मैं सनब्लॉक जो है ये मैं अपने लिए ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ये मैं हमेशा से ऑलमोस्ट 6 to 8 month हो गए मैं यही यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये स्क्रब है और फेशियल स्क्रब्स हैं दोनों टी ट्री के, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये मैंने कुछ अपने लिए सन ब्लॉक ऑर्डर किया था, और ये है हुरैन के लिए अपनी बेटी के लिए परफ्यूम, और ये किड्स के लिए ये है, और ये बहुत अच्छी लाइट्स इसकी स्मेल है, बच्चे जो कि बड़ों के परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दी थी कि वो मेरी वाली यूज़ ना करे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है। और ये मास्क है, ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है, लेकिन आई होप कि ये भी अच्छा ही होगा। बाकी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं, और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको अनाबिया के सारे ड्रेसेस जो कि मैं न्यू बाई की हैं बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान जाने के लिए। और ये बिल्कुल अप्रैल में एक व्लॉग है क्योंकि जाने की तैयारी हो रही थी, तो सारे ड्रेसेस मैंने यहाँ रखे थे जो जो लेके जाने थे, पैकिंग करनी थी। और ये शूज़ भी मैंने सारे ख़रीद लिए थे, तो ये रूम की कुछ कंडीशन देख लें बहुत ही बुरी हो रही है। तो ना अभी के ड्रेसेस में देख रही थी कौन से लेके जाने, ऑलमोस्ट सारे ही मैंने न्यू लिए थे। मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग का काम मेरा नहीं होता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और एंड का दिन है, मैं सारे घर में क्लीनिंग करके और चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख के, सोफे मैंने
चादर दे दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना था डार्क कलर का। तो अब हम चले गए एयरपोर्ट डायरेक्ट एयरपोर्ट। अभी हम प्लेन में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था हुरैन से कि जल्दी से हम पहुंच जाएं अपने नानों के घर। तो अब हम टर्की पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम टर्की। तो टर्की एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए हैं, हमारा ऑलमोस्ट 2 आवर का स्टे था, काफ़ी हम लोग टायर्ड हो गए थे। तो इसके बाद की जो फ्लाइट थी बहुत लंबी होने वाली थी। तो उसके बाद हम डायरेक्ट, मैंने कोई व्लॉग वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो ये मैं अपनी मम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो जल्दी से मैं अपनी मम्मी के घर पहुँच जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो अब मैं बस पहुँचने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और काफ़ी देर बाद जो अपलोड किया है तो पसंद आएगा, और लाइक भी कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अपने काफ़ी देर बाद में पाकिस्तान आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था।